subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विद हमीश सर के साथ। आज के इस वीडियो में हम आप लोग लाए सप्लीमेंट्री का पहला पार्ट जो थॉमस अल्वा एडिसन जिसके लेखक थे। आई होप आप लोगों पीछे का वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हो पीछे का जो वीडियो इसका जो बना गया है, अगर नहीं देखे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बताते हैं। एक बात और, अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, क्योंकि यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताया गया, ठीक है, चलिए हम देखते हैं। दिया है अ ईयर आर टू लेटर्स, मतलब एक या दो साल बाद एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस हिज ऑन न्यूज़पेपर, मतलब एडिसन ने निर्णय लिया खुद का न्यूज़पेपर उत्पादित करने का। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, वह एक पुराना सा प्रिंटिंग प्रेस खरीदे एंड और सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और उसे अपने रेलवे के डिब्बों में क्या किए, बैठा लिए। अब आगे देखिए इसमें क्या, बैठाने के बाद क्या किए, ही एडिट, वह उसको छापते थे एंड प्रिंट, और उसको प्रिंट करते थे विथ हिज पेपर, सोल्ड अ नंबर ऑफ कॉपीज, और उनके कॉपियों को सुरक्षित करते थे और लाइन बाय लाइन करते थे एंड और मेड मोर मनी, मतलब उसे बेचते थे और उससे अत्यधिक पैसा कमाते थे। विथ द मनी, उस पैसों से ही सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, उस पैसों से वह एक अपने रेलवे के डिब्बे में, जैसे जो ट्रेन का बोगी होता है डिब्बे, तो ट्रेन के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला खोल दिए थे, ठीक है। अब देखिए व्हेन ही वाज 15, जब वो 15 साल के थे तो ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, वह उनके साथ एक दुर्घटना घटी डैट की इफेक्टेड हिज कैरियर, कि उनके पूरे कैरियर को, मतलब उनके पूरे भविष्य को बिगाड़ दिया, ठीक है। विल, जब ही वाज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो प्रयोग कर रहे थे तो इन हिज लेबोरेटरी, उनके प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, देयर वाज अ सडन जॉल्ट, ठीक है, ट्रेन अचानक एक कॉर्नर पे या मोड़ पे मुड़ी, सडन जॉल्ट, तो देयर वाज अ सडन जॉल्ट एंड बिट ऑफ फॉस्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑन हिज कैरिंग, मतलब उसके जो ट्रेन की बोगी की जो डिब्बे के जो फर्श था उस पर एक बूथ फॉस्फोरस गिर गया एंड और इट कैच फायर, वो आग पकड़ लिया बिफोर, पहले ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर, पहले ये खुद न्यूज़पेपर से आग बुझाने लगे, कैच द फायर, सॉरी, बिफोर ही कुड पुट इट आउट, मतलब पहले ये खुद बुझाने लगे, तो द न्यूज़पेपर कैच फायर, मतलब न्यूज़पेपर में आग पकड़ लिया, द फायर स्प्रेड एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, मतलब आग बढ़ते गई और एडिसन, मतलब जो थे वो उसमें, वो सहायता के लिए चिल्लाए। द गार्ड केम अप इन एंड टुगेदर दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, गार्ड अंदर आया और दोनों मिलकर आग बुझाने में सफल हो गए। बट लेकिन डेट वॉज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन उस दिन एडिसन की अंतिम दिन था, मतलब उस ट्रेन की नौकरी में या ट्रेन में उनका अंतिम दिन था। ही वॉज डिसमिस एट द नेक्स्ट स्टेशन, उनको अगले स्टेशन पर डिसमिस कर दिया गया। चलिए हम लोग आगे पैराग्राफ देखते हैं। आते हम लोग अगले पैराग्राफ में, अगला पैराग्राफ दिया, द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 साल एडिसन टुक अप जॉब इन डिफरेंट सिटी, एडिसन अलग अलग शहरों में क्या थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे। ही मेड गुड यूज ऑफ द लाइब्रेरी एंड मेट एक्सपर्ट इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, मतलब वो अपने लाइब्रेरी को बहुत ही अच्छा विकसित कर लिए थे और वो बहुत ही एक्सपर्ट, मतलब बहुत ही अच्छा कार्य या बहुत ही अच्छा मैकेनिकल बन गए थे फैक्ट्री इन वर्कशॉप, अपने फैक्ट्री और वर्कशॉप के लिए, ठीक है। तो ही आस्क देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछते थे, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, और उनसे बहुत ज़्यादा सीखते थे, एंड और वर्कड हार्डर एंड हिज एक्सपेरिमेंट, और वह अपने कठिन परिश्रम से प्रयोग करते थे, मतलब एक्सपेरिमेंट में प्रयोग करना, तो वह कठिन परिश्रम से प्रयोग करते थे। दिया देखिए अब, ड्यूरिंग दिस पीरियड, मतलब उस समय ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर अ शॉर्ट टाइम्स एंड
वॉज स्टेइंग विथ आवर फ्रेंड्स, ठीक है यहाँ तक है। तो मतलब ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब फॉर शॉर्ट टाइम्स, वह एक छोटे समय के लिए एक जॉब मतलब नौकरी तलाश कर रहे थे। एंड और वॉज स्टेइंग विथ अ फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्त के यहाँ ठहरे हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, वह जो नौजवान आदमी था एक कंपनी में वहाँ पे काम कर रहा था। इन डेट कंपनी मतलब जो उनके दोस्त थे उनकी दोस्त की कंपनी में, ठीक है। दे हैड एन इम्पोर्टेंट मशीन्स मतलब वहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन्स। वन डे एक दिन द मशीन स्टॉप्ड सडनली, मशीन क्या हुआ अचानक बंद हो गया। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम्स मतलब एडिसन उस जगह उस समय थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन्स, वो मशीन को देखे। एंड और रिपेयर्ड विट विद इन अ शॉर्ट टाइम्स, और उसे वो छोटे समय में मरम्मत कर दिए, ठीक है। द मैनेजर्स ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, मतलब उस कंपनी का जो मैनेजर था एडिसन को पसंद किया। एंड और गेव हिम अ गुड जॉब, और उन्हें एक अच्छा सा नौकरी दे दिया। एडिसन पैड हिज डेब्ट, ठीक है एडिसन अपना पूरा क्या हुआ कर्जा चुका दिए। एंड और इम्प्रूव द क्या लेबोरेटरी, और अपने प्रयोगशाला को बढ़ाने लगे। तो इस तरह से एडिसन अपना कार्य चला रहे थे। तो अब देखिए आगे अगला पैराग्राफ, हम लोग दसवा पैराग्राफ देखते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अगला पैराग्राफ दसवें पैराग्राफ में। दसवें पैराग्राफ में देखिए क्या बताया गया है। द नेक्स्ट सिक्स ईयर मतलब अगले छः साल एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशन, एडिसन बहुत से प्रयोग किए मतलब बहुत से प्रयोग लाइन बाई लाइन प्रयोग करते जा रहे थे। दिया वन इन्वेंशन एक खोज, अब देखिए कौन सा खोज हुआ, एक खोज फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्न मोर फेम्स एंड मनी। मतलब एक खोज एडिसन को क्या किए बहुत जल्दी प्रचलित करा दिया, बहुत जल्दी उनको फेमस करा दिया मतलब प्रसिद्ध करा दिया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने लगे, ठीक है ना। मतलब वो क्या खोज था आप देखिए खोज के बारे में बताया गया है। इन 1878 1878 में ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन डैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, मतलब वह एक आदमी की आवाज़ की तरह या आदमी की आवाज़ निकालने वाला मशीन बना रहे थे। अब बना रहे थे देखिए। द नेक्स्ट ईयर अगले साल ही एक्चुअली मेड वंस, वह वास्तव में उसे बना दिए। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, उसमें उसको किसके नाम से जानते थे हम लोग, टॉकिंग मशीन मतलब बोलते हुए मशीन के नाम से जानते थे। वी कॉल्ड इट द ग्रामोफोन नाउ, हम लोग उसे ग्रामोफोन के नाम से जानते थे। द सेम ईयर उसी साल ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, उसी साल उनको वाशिंगटन के वाइट हाउस में इन्वाइट किया मतलब आमंत्रित किया गया या बुलाया गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं हो आप लोगों को डीपली समझ में आएगा, समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक भी करते चलिए ना, लाइक करिए दोस्तों में, शेयर भी करते चलिए, ये मत भूलिए लाइक कमेंट शेयर याद रखिएगा, आप लोग पढ़ाते रहिएगा। चलिए हम लोग आगे बताते हैं। डैट इज द नेम ऑफ द हाउस, मतलब उस घर का नाम है। वेयर जहाँ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स, मतलब जहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, एडिसन वहाँ गया टू शो हिज न्यू मशीन्स अपने नए मशीन को दिखाने के लिए टू द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को। दिस मेड्स हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, यह पर खोज इनको पूरे अमेरिका में प्रसिद्ध कर दिया था। नाउ अब ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रोस्फेयर, मतलब प्रोस्फेयर मीन्स क्या होता है पूरा फैल जाना, सक्सेस मीन्स मतलब सफल होना। तो अब यह सफल भी हो गए चुके थे और बहुत ही नाम कर चुके थे। तो ही आउड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प, मतलब यह सब कार्य इनकी माता की सहायता से हुआ था। एंड और इनकरेजमेंट, और उनकी प्रोत्साहना से। एंड और
टू हिज ऑन हार्ड वर्क, और इनके खुद के कठिन परिश्रम के कारण यह कार्य सब सफल हुआ था। अब देखिए इसमें ये बताया गया है कि अब 11वां पैराग्राफ में हम लोग आ गए। 11वां पैराग्राफ में देखिए क्या थे, इन मार्च 1878 मतलब मार्च के महीने में 1878 ही बिगेन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, मतलब वो एक विद्युत बल्ब पे काम कर रहे थे। पीपुल यूज कैंडल्स एंड ऑयल्स लैम्प्स इन दोस डे, उसमें लोग क्या करते थे, लैम्प और मोमबत्ती का इस्तेमाल करते थे। एडिसन प्रोमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन टू ईयर्स, ठीक है ना, एडिसन वचन दिए थे कि वो 2 साल में विद्युत बल्ब देंगे। याद रखिए कि ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है, मतलब ये पूछा जाता है कि व्हाट डिड एडिसन प्रोमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, मतलब एडिसन व्हाट वॉज द प्रोमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, व्हाट वॉज एडिसन प्रोमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका, मतलब क्वेश्चन का तरीका चेंज करके ऐसे पूछा जाता है। एडिसन ने क्या वचन दिया था, एडिसन प्रोमिस टू द पीपुल ऑफ अमेरिका गिव अ इलेक्ट्रिक बल्ब इन 2 ईयर्स, मतलब एडिसन उनको 2 साल में विद्युत बल्ब देने का वचन दिए थे। आगे देखिएगा, व्हेन जब ही सेड दिस, मतलब वह यह कहे तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ एट हिम, मतलब सभी वैज्ञानिक इन पर हंसने लगे। दे सेड, वे बोले डेट इट वॉज इम्पॉसिबल, वह सभी यही बोले कि यह असंभव है। बट लेकिन एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन इन सभी से चिंतित नहीं हुए या परेशान नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर, मतलब वह कठिन से कठिन परिश्रम किए, एंड और हार्डर और उससे ज़्यादा कठिन परिश्रम किए। ही परफॉर्म 1000 एक्सपेरिमेंट बल आर्ट ऑफ टेम्स फील्ड, मतलब वो लगभग में 1000 बार प्रयोग किए थे, सभी के सभी असफल रहे थे। बट लेकिन ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन वो अपना आशा नहीं खोए थे। आई मस्ट कीप माई प्रोमिस टू द पीपुल, वो यही सोच रहे थे कि मैं अपना वचन लोगों में बनाए रखूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ, वो अपने आप से खुद से कहते थे। एंड और वर्क हार्डर स्टील, और तब भी वो कठिन से कठिन परिश्रम किए। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, वो दोबारा प्रयास करने लगे। एट लीस्ट अंत में ही सक्सेस इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, वह विद्युत बल्ब बनाने में सफल हो गए लगभग में 1200 बार प्रयोग में। वन न्यू ईयर्स डे 1818, मतलब अगले नए साल पे 1880 में ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उनके कार्यकर्ता पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट इन एट हिज लेबोरेटरी, मतलब विद्युत बल्ब अपने प्रयोगशाला में चलाए थे। तो यह भी क्वेश्चन आप लोग पूछा था कि सबसे पहले विद्युत बल्ब कब जला था, प्रयोगशाला में उनका 1880 में चला था। अगर ये पूछा जाए कहाँ जला था, तभी आगे बताया जाएगा कि पीपुल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी डेट ग्रेट साइट, मतलब पूरे अमेरिका के लोग इस दृश्य को या इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रोमिस टू द पीपुल, एडिसन अपना वचन लोगों में बनाए रखे। ऑन 4 सितंबर 1882, मतलब 4 सितंबर 1882 में, फॉर द फर्स्ट टाइम्स न्यूयॉर्क सोन इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, पहली बार पूरा न्यूयॉर्क, देखिए न्यूयॉर्क में जला गया था, ठीक है, पूरा न्यूयॉर्क क्या होता है, विद्युत बल्ब से प्रकाशित हुआ था। तो चलिए हम लोग अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। हम लोग आ गए हैं 12वें पैराग्राफ पे, यही लास्ट वाला पैराग्राफ है, इसमें से हम लोग ये अंत हो जाएगा। तो चलिए इसमें बताते हैं, तो दिया एडिसन सर्व हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब एडिसन पहली विश्व युद्ध में अपने देश की सेवा किए थे। ही मेड, मतलब वो बताए थे 14 वॉर इन्वेंशन टाइम इन्वेंशन, मतलब लगभग 40 बार खोज किए थे। एंड और वाज अवार्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस, उन्हें उसकी नौकरी के लिए सम्मानित किया गया था, किससे, अवार्ड से। इन 1929 में द सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वाज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रेट मैनर, मतलब
कि उन्हें विद्युत बल्ब के आविष्कार के लिए सिल्वर जुबली अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया था बहुत से बड़े समारोह में। द प्रेसिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स रिसीव्ड हिम, मतलब अमेरिका के राष्ट्रपति इन्हें प्राप्त किए, मतलब इन्हें बुलाए थे, एंड और हॉनर्स हिम एट अ बिग फंक्शन, और इन्हें बड़े से फंक्शन में सम्मानित करना चाहते थे। एडिसन गोट अप एट द फंक्शंस टू थैंक्स द प्रेसिडेंट, मतलब एडिसन खड़ा होके राष्ट्रपति को उसके लिए धन्यवाद देना चाहते थे कि मतलब हमको इसलिए इस काबिल समझे इसलिए वो धन्यवाद देना चाहते थे। बट लेकिन सडनली फेल इल ही इलनेस बिकम वर्स, मतलब लेकिन अचानक वो बीमार पड़ गए और इनका बीमार होना बहुत ही बुरा हुआ। एंड और ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग एट अक्टूबर 1931, मतलब वह रविवार के सुबह 18 अक्टूबर 1931 में मर गए। तो ये भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो दिया 18 अक्टूबर 1931 में ना, तो ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है कि एडिसन की मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखिएगा 18 अक्टूबर 1931 में हुआ था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एक नंबर में। आगे दिया, दस इंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ्स ऑफ अ मैंस हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ्स एंड हैप्पीनेस, मतलब इस तरह से उस महान व्यक्ति की मृत्यु हुई जो लोगों में या मनुष्य में केवल या मनुष्य के जीवन में केवल खुशी भरना चाहते थे। ही सेड वंस, वो एक बार बोले थे कि आई शैल नेवर इन्वेंट एनी थिंग्स विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, मैं ऐसा कुछ नहीं खोज करूँगा जिससे जीवन बर्बाद हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपुल्स हैप्पी, मैं लोगों को खुश बनाना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सैड द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, मतलब वह कहते हैं कि संसार लंबे समय से अंधेरे में था, मैंने उसको लाइट दिया। आई वुड टू लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, मैं संसार को या मैं इस देश को या विश्व को क्या दिया हूँ कि मैं ज़्यादा खुशी दिया और ज़्यादा प्रकाश भी दिया हूँ। आगे तो ये बताएं, टुडे आवर कंट्री, मतलब इस समय हमारे देश को एंड और द वर्ल्ड नीडेड मेंस लाइक एडिसन, मतलब और अन्य भी देश को एडिसन जैसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। एडिसन बॉयज एंड गर्ल्स शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, एडिसन को लड़के और लड़कियों को बहुत ही अच्छा, मतलब जो भी लड़के पढ़ने वाले हैं जो भी लड़के पढ़ने वाले हैं उनको अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे लेके पढ़ना चाहिए। इस तरह एडिसन की पूरी कहानी ये बता दिया गया है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन विथ अमित सर को, एंड प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। We'll be right back.